हेलो गाइस, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल राजस्थान। तो भाई लोग, कल यूट्यूब ने लिटरली मेरे साथ एक स्कैम कर दी। तो बताता हूँ हुआ क्या कि मेरा एक जो वीडियो था जो सबसे पहले वायरल हुआ था, जिसके कारण मेरे को मोटिवेशन मिली थी यूट्यूब चैनल की। ठीक है, तो मैं क्या करता था पहले, लिटरली पहले ऑफिस में जब जॉब करता था तो मैं अपने जो कस्टमर्स थे हमारे, उनको मैं ट्रेनिंग के वीडियोस बना के भेजता था ताकि उनको पोर्टल वगैरह आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक पोर्टल वीडियो बनाया था मैंने फिनो की आईडी के ऊपर, जिसमें फिनो की ट्रेनिंग के बारे में मैंने सिंपल सा बताया था कस्टमर को, ताकि वो काम कर सके। ठीक है, तो उसी का वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे डाल दिया था, अपने यूट्यूब चैनल पे। पहले मैं नॉर्मली जिमनास्टिक वगैरह के वीडियो डालता था, तो मैंने उसके साथ में ही उसको भी डाल दिया था। ठीक है, और फिर मैंने जब 2-3 महीने बाद देखा तो उस पे अपने आप 3 से 4 हज़ार व्यूज आ गए थे। ठीक है, और उससे पहले मेरे जो जिमनास्टिक वाले वीडियोस थे उस पे मेरे को नॉर्मल से 10-20 व्यूज से ज़्यादा कभी मिले नहीं थे। ठीक है, तो एक बार सीधा ही 3 हज़ार देख के मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। ठीक है, और उसी को देखते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल पूरा प्रॉपर स्टार्ट किया था, जिसके बाद मैं प्रॉपर वीडियोस वगैरह डालने स्टार्ट किए मैंने। और उस वीडियो पे मेरे ना तो कोई थंबनेल था, ना कोई मैंने टैग्स वगैरह डाले थे, ना ढंग का कोई टाइटल था, सिर्फ यही लिखा हुआ था यूट्यूब सॉरी फिनो पेमेंट बैंक ट्रेनिंग वीडियो। ठीक है, और मैंने उसको अपलोड कर दिया था। मैं बताता हूँ आपको, ये रहा मेरा वीडियो, इस पे मेरे को मिल गए थे लगभग 3 हज़ार व्यू, और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम अपलोड किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहला वीडियो मेरा था ये प्रिंटर का था कोई। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे फिनो के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे, दोनों डाले थे। तो यूट्यूब ने क्या किया मेरे साथ कि पहले इस वीडियो को उड़ा दिया, चलो ठीक है इसको उड़ा दिया, बट इस पे व्यू भी कम ही थे, 135 व्यूज ऐसे ही थे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो कुछ नहीं, फिर भी मैंने कंप्लेन डाली थी, रिक्वेस्ट डाली थी, बट उन्होंने वापस मेरे को नहीं दिया और हटा दिया। कल क्या किया यूट्यूब ने कि मेरे इस वीडियो को भी हटा दिया। आप देख सकते हो इसमें मेरे लगभग 3300 व्यूज़ थे। ये मेरी कुछ कुछ माती थी कि हुआ यूँ कि मेरे जब 3 हज़ार से ज़्यादा व्यू आ गए तो मेरे को कुछ शौक, मैंने किसी फालतू यूट्यूबर्स के वीडियोस देख लिए थे जिन्होंने मेरे को टिप्स दी थी कि आप अपना थंबनेल टाइटल चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। अब हुआ यूँ कि मेरे टाइटल चेंज करने की वजह से यूट्यूब जिन जिन वीडियोज़ के सजेशन में मेरा वीडियोज़ डालता था, जिस वजह से मेरे वीडियो पे व्यू आ रहे थे, वो टाइटल चेंज करने की वजह से वो सजेशन से हट गया, जिस वजह से वापस व्यूज हट गए। बट कोई ना, मेरा फर्स्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत, ये मेरा सबसे लोकप्रिय मतलब मेरा बहुत यूँ खास दिल के करीब वाला वीडियो है, और ये जब हटा तो मेरे को बहुत दुख हुआ। ठीक है, कल यूट्यूब ने इसको हटा दिया। मैं मेल दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी वॉन्टेड टू लेट यू नो आवर टीम रिव्यू योर कंटेंट। ये आप देख सकते हो वीडियो, इसको हटा दिया गया था कल। ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस रिमूव्ड। ठीक है, रिमूवल योर कंटेंट फॉर फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट में ये इसका टाइटल आ गया। ठीक है, बैंक वाज रिमूव्ड ड्यू ए वॉयलेंस। वॉयलेंस मतलब इनका ये था कि मैंने इसमें किसी को धमकी दी है, या फिर मैंने कोई ऐसा बोला है जिस वजह से किसी को, मतलब किसी को हर्ट होता हो, ऐसा कुछ बोला हो, या किसी को डराने की कोशिश की है, तो इस वजह से इन्होंने हटाया। बट आप वीडियो देख सकते हो, पूरे वीडियो में मैंने कुछ कोई भी गलत वर्ड नहीं बोला, ना ही किसी को कोई धमकी दी। ये सिंपल सा ट्रेनिंग वीडियो था, बट यूट्यूब ने इसको हटा दिया था। तो कल जब ये हटा तो फिर मैंने रिक्वेस्ट डाली वापस, और मैं बता देता हूँ अगर आप भी हो तो, मेरा पहला वीडियो था, मैंने बताया था इससे पहले भी डिलीट हो चुका है, बट वो मेरे को वापस नहीं मिला। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट डाली, वो रिजेक्ट कर दी गई। ये भी फिनो का ही था। ठीक है, फिनो का किट ऑर्डर करने का था वीडियो, बट इसको हटा दिया। चलो छोड़ो, इस पर देखो 35 व्यूज है, तो मैंने वापस इतना ध्यान नहीं दिया। बट इसको हटाया तो मैंने फिर एक अच्छा खासा नोट बना के इनको भेजा था वापस। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट यहाँ पे भेजा, यहाँ पे अपने ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही अपना कोई वीडियो हटता है तो वहाँ पे वापस अपने रिक्वेस्ट डालने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मैंने उस पर रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाके प्रॉपर हिंदी में टाइप किया था। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं नॉर्मली हिंदी में रखता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है हिंदी में, सिंपल सा समझ आता है कुछ भी हो तो। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही रखता हूँ, तो मैंने प्रॉपर हिंदी में टाइप करके भेजा था उनको। ठीक है,
रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा ये मोस्ट वायरल वीडियो है और मेरा मैंने इसमें कोई गलत वर्ड नहीं बोला है, आप चाहो तो प्रॉपर चेक कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ डाल ली मैंने, अपनी भावनाएं सारी डाल दी थी उस लेटर में, और इसके बाद उसको मैस मेल कर दिया था मैंने यूट्यूब को, ठीक है। तो फाइनली यूट्यूब ने, आज सुबह ही मैंने मेल वापस देखा तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब मेरे को बोलता है मिस्टर टेक्निकल राजस्थान, हमें आपकी अपील पर फैसला कर लिया है, ठीक है। नमस्ते मिस्टर टेक्निकल राजस्थान, ठीक है, हमने इस वीडियो के लिए आपकी अपील की वो स्वीकार कर लिया, ठीक है। यानी उनको भी लगा कि नहीं, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने डिलीट किया हो, तो इसलिए उन्होंने मेरा वीडियो मेरे को वापस लौटा दिया, ये आप देख सकते हो। और जब ये मिला मेरे को तो बहुत खुशी मिली थी मेरे को वापस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वापस आ गया, यहाँ पे आपकी अपील स्वीकार की गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, दोबारा समीक्षा करने के बाद हमें ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपका वीडियो हमारी ग्रुप दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है। अब YouTube खुद अपनी गलती मानता है कि हमने पहले ऐसे ही डाल दिया, आपको हटा दिया, और बाद में हमें चेक करने पर यह पता चलता है कि आपके वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे दिशा निर्देशों यानी कि जो उनके रूल्स हैं रेगुलेशंस होते हैं उनको उनको मतलब छेड़ दे या फिर उनके खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अपील की समीक्षा के दौरान धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद, हमारा मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी वीडियो से कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो ताकि यूट्यूब से कभी भी सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाया जा सके यूट्यूब को, ठीक है। इसके लिए इनके कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, बट मैं हमेशा अपने वीडियो में जो सिंपल लैंग्वेज होती है वही यूज़ करता हूँ, कोई गाली गलौच वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। आप मेरे सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो गलती यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हो सकता है प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, इस क्वेश्चन में कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है, यूट्यूब खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि गलतियाँ हो जाती है। तो कभी आपके साथ भी, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और आपके साथ भी कोई गलत हो तो आप चुपचाप ना बैठे, क्योंकि यूट्यूब भी चलाने वाले आगे इंसान ही है तो उनसे भी गलतियाँ होती है। तो आप रिक्वेस्ट डालिए, आपकी मतलब अगर गलती नहीं होगी आपकी तो आपको ज़रूर वापस उससे प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप उस पर वापस रिक्वेस्ट डालते हो तो, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, हम्बल रिक्वेस्ट की थी पूरी, ठीक है। हमारी गलती की वजह से आपको हुई किसी भी असुविधा के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इसका आपके वीडियो पर क्या असर पड़ा, इस गलती को ठीक करने के लिए आपका वीडियो वापस अपलोड कर दिया गया है, यूट्यूब ने अपनी गलती को ठीक करने के लिए मेरे वीडियोस को वापस अपलोड कर दिया था उस वीडियो को, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो पूछिए, धन्यवाद, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि मेरे को नहीं लगा था, क्योंकि मेरे पहले वीडियो पे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी बट मैंने वो इंग्लिश पर डाली थी और शायद उनको इतना वो टच नहीं हुआ उनके हार्ट को, इस वजह से इन्होंने वापस दी नहीं मेरे को ये वीडियो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट इसको मैंने प्रॉपर हिंदी में टाइप करके भेजा था तो मेरे को रिप्लाई मिल गया, तो मेरे को इसलिए खुशी हुई। तो मुझे नहीं लगा था कि वापस मिलेगी बट मिली, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि अगर आपके भी कोई वीडियो हटती है तो आप एक बार हम्बल रिक्वेस्ट कर लीजिए उनसे, हो सकता है आपको वापस मिल जाए, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझा सकते हो उस लैंग्वेज में बोलिए, ठीक है, उनको अच्छे से समझाइए तो वो समझ जाते हैं। अब जैसे ये वीडियो मेरी वापस आ गई, ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया करता हूँ मैं इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी थोड़ा वायरल कर लीजिए, हो सकता है ये भी वायरल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।